एहसान की यादें ताजा करने गई थी ना तुम, अभी तक उसे दिल में बसा के रखा हुआ है ना तुमने। एहसान छोड़े मुझे, तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी और तुम्हें कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। चलो जा रही हो ना गुड़िया, अगर तुमने एक कदम भी इस घर से बाहर निकाला ना तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। फिर तुम्हें जो करना है तुम कर लेना, मैं वापस नहीं आऊंगी। गुड़िया मैं बेवफा नहीं, ये काम अब तुम्हारे बस का नहीं है करचा। यहां दिन पे दिन गुजरते जा रहे हैं और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। अब ये काम मैं तुम्हारे भरोसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। वो किताब तो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि फिरोज आपके कब्जे में नहीं आएगा। कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि आप इतनी बड़ी आमला है, आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता कि फिरोज की सारी ताकत उसके जेवरात में है, उसके कड़ों में और उसकी अंगूठियों में। आप आज तक तो उसके जेवरात उतरवा नहीं सकी, तो उसको अपने काबू में कैसे करेंगी आप? करचा अगर वो जेवरात हासिल करने से फिरोज मुझे मिल सकता तो मैं कब के वो जेवरात अपने कब्जे में कर चुकी होती। उसकी अंगूठी और उसके कड़े में उसकी ताकतें हो सकती हैं, लेकिन उसका दिल नहीं है वहां। और अगर उसका दिल ही मेरा नहीं हो सकता तो उसके जेवर और उसकी ताकतें लेके मैं क्या करूंगी? और वैसे भी अगर मैंने उसकी ताकतें ले ली तो वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आपको उसके जेवरात अपने कब्जे में कर लेने चाहिए। क्या कह रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। पर अब उसकी परवाज कितनी होगी इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगी। लेकिन फिर भी जेवरात लेने में क्या हर्ज है? आप जब मर्जी वापस कर दीजिएगा। ठीक है करचा, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं उसके जेवर ले लूंगी।